अभी भी ऑन द प्रोग्रेस है मेहंदी। लोटस वाला क्या और इस चीज को भी थोड़ा मोटा मोटा कर दीजिए। ये दीदी है हमारी ये कपिल कपिल आए हैं चाय का वो क्या लेके दिखा अपने दोनों हाथ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग पूछ रहे होंगे निकिता कौन है, तो निकिता मेरे घर के पास ही रहती है, बिल्कुल सामने, और उस काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया है जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ शिफ्ट होने से, 4-5 साल हुए हमें यहाँ शिफ्ट होने से, तो जब से हम इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं और हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। उसकी मम्मी और मेरी मम्मी काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड बन गई है और उसकी बेटी से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है हम लोगों का। तो उसने भी नीक की शादी में बहुत हेल्प की हम लोगों की, तो उसकी भी हम लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मतलब एक अच्छा फैमिली टाइप का बन गया है, तो बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है। तो उसका मेकअप आर्टिस्ट मैंने ही किया है और उसको हल्दी मेहंदी भी मैंने ही रेडी किया है। मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और उनके काफ़ी सारे गेस्ट हमारे घर में रुके हुए हैं। नीचे नीचे एक रूम है और हॉल है, वहाँ पे रुके हुए हैं काफ़ी सारे। उसकी शादी में जितने भी सारे सामान जा रहे हैं वो सारे हमारे घर में ही रखे हुए हैं नीचे वाला हॉल पे। बाकी मतलब काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं उसके, कानपुर वगैरह से आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं, कानपुर से भी आए हैं और भी बहुत सारी जगह से आए हुए हैं, तो सब हमारे घर पे ही रुके हुए हैं। और काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा उसका, हल्दी का मेहंदी का, आप लोग देखें। मैं शादी का भी वीडियो डालने वाली हूँ आज, तो आप लोग शादी की भी वीडियो देखें। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो एडिट करने का या डालने का, तो इस वजह से मैं थोड़ी डिले हो गई, पर आप लोग ज़रूर देखें। मैं शादी और हल्दी मेहंदी सबका वीडियो डाल रही हूँ और आज मैं अभी का हल्दी का डाल रही हूँ और थोड़ी देर के बाद या मैं शाम तक शादी का भी डाल दूंगी, आप लोग वो भी मैं वीडियो देखें। और मैं आपको शादी की वीडियो में कुछ और भी बताने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। और निकिता की हल्दी मेहंदी भी बहुत अच्छी हुई और वो ब्राइडल में बहुत ही अच्छी लग रही थी।